तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रहा है एक वॉलपेपर ऐप का AI फाइल, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन है एंड कम्प्लीटली एयरटेबल से कनेक्टेड है, डायनामिक है। ठीक है, इस तरह का एप्लीकेशन आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज जिस क्वालिटी का एप्लीकेशन आपको मिल रहा है, ऐसा आपको पहले कभी कहीं नहीं मिला होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से दबाए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, तो फिर हमारा आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जो एप्लीकेशन मिलने जा रहा है, सबसे पहले तो हम उस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आज जो ये वीडियो है, इसका पार्ट टू भी आएगा। पार्ट टू में जो इसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन आएगा, आज जो है बस सिंपल वर्जन है। कुछ देख सकते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले इस तरह से लोडिंग लेता है, सारे जो भी वॉलपेपर है इस तरह से धीरे धीरे ऐप से लोड ले लेते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी का लुक है एंड ये जो एप्लीकेशन है ये बना है ग्रिड व्यू नाम का एक पेड एक्सटेंशन आता है, उससे बना है। 16 यूरो का है शायद, इसमें मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको ये एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर पाऊंगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड मेनू मिल जाता है, जहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन, रेडार्स का ऑप्शन, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और वॉलपेपर देख सकते हैं, कोई भी फ्रीजिंग नहीं होता है, कोई भी लैग नहीं होता है एप्लीकेशन में, जो आपको पहले वाले एप्लीकेशन में मिल रहा था। ठीक है, कोई भी वॉलपेपर को हम अगर ऐसे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। नीचे एक बैनर एड लोड हो चुका है एंड बीच में है हमारा वॉलपेपर, ऊपर आपको डाउनलोड्स भी शो कर रहा है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का ऑप्शन है आई थिंक। ठीक है, तो नीचे देख शेयर का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ऊपर देख सकते डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे, तो फिलहाल छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड भी यहाँ पे जो था यहाँ पे से अपडेटेड हो चुका है। पहले यहाँ पे से 1 डाउनलोड था, अभी यहाँ पे से 2 डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और शेयर का भी है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हम जो है मीडिया फाइल को यहाँ पे से शेयर कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसे व्हाट्सएप पे किसी भी जगह पर शेयर करते हैं तो देख सकते हैं इमेज जो है वो शेयर हो जाएगा, साथ में नीचे जो है एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ पे से शेयर हो जाता है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन है। ऊपर आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, इसको क्लोज करके आप फिर से पहले वाले में आ सकते हैं एंड दूसरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम आपको इसका भी डाउनलोड्स नजर आ रहा है। इसको भी हम अगर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड्स देख सकते हैं 5 डाउनलोड्स, अभी 1 डाउनलोड जो है इंक्रीज हो चुका है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और इसका अगर आप मतलब कि डाटा बेस अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मैंने एक डाटा बेस भी बना के रखा है एयर टेबल में। सिंपल है, बस आपको एक टेबल क्रिएट करना है और यहाँ पे मैंने फाइल्स नाम का एक टैब क्रिएट किया है, दूसरा डाउनलोड्स नाम का। देख सकते हैं डाउनलोड्स भी शो कर रहा है, इस एप्लीकेशन को नया बनाया है तो 0 ही है मैक्सिमम का डाउनलोड्स। ठीक है, कहीं पर भी मैंने पब्लिश भी नहीं किया एप्लीकेशन, बिल्कुल आप लोगों के लिए बना रखा है। और अगर आप इसका AI फाइल ओपन करेंगे तो इस तरह का लुक आएगा एंड ये है इसका जो पेड एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहा था। अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है आपको दे दूंगा तो ये इलीगल हो जाएगा, क्योंकि पेड एक्सटेंशन हमको फ्री में नहीं देना चाहिए। तो हम इसका कुछ लाइक्स का टारगेट रखेंगे, आप जो इस वीडियो में 150 लाइक्स कर देना। उसके बाद जो इस वीडियो का पार्ट टू आएगा, जहाँ पे आपको कैटेगरी के साथ बहुत कुछ एडवांस देखने को मिल जाएगा, उसी पर आपको जो है फ्री AI मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन 1 है जो ये वाला है, जहाँ पे ग्रिड वगैरह आता है, स्लाइड मेनू भी है एंड व्यू एक दूसरा स्क्रीन पे, जहाँ पे जाके इमेज पे क्लिक करने के बाद दूसरे जगह पे जहाँ पे ओपन रहता है। यहाँ पे एक वॉलपेपर कंपोनेंट का यूज़ किया गया है एंड और भी है, स्प्रेडशीट का कंपोनेंट है, एडिटेबल है एंड एडमूव का एड है, जहाँ पे आप अपना एड यूनिट डाल सकते हैं, क्योंकि एड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अर्निंग के लिए। तो ये सिंपल एप्लीकेशन बस इतना ही है। होप दैट कि आपको एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। एप्लीकेशन को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथ दोस्तों से शेयर कीजिए एंड चैनल को नहीं है तो चैनल से सब्सक्राइब करके दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे आगे वीडियो में।